गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टी एस एन स्कूल अजमेर। टुडे वी रीड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नेम इज फेमस ऑथर्स एंड चैप्टर नंबर 5 नेम इज कप्स एंड ट्रॉफीज। बच्चों, पहले हम चैप्टर नंबर 4 रीड करेंगे, फेमस ऑथर्स, प्रसिद्ध लेखकों के बारे में रीड करेंगे। अब हम चैप्टर रीड करते हैं। रीड द क्लू अबाउट सम फेमस ऑथर्स एंड आइडेंटिफाई देम, चूज योर आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। नीचे आपको कुछ प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों के बारे में दिया हुआ है। इन प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखकों के नाम आपको हेल्प बॉक्स में दिए हुए हैं। इनके नाम आपको चुनना है जिन्होंने ये बुक लिखी। फर्स्ट, सी इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन ऑथर्स। हर बुक हाउ आई टॉट माई ग्रांड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन टू मोर देन 15 लैंग्वेजेस एंड हैज वॉन नुमरियस अवार्ड्स डैश। वह सबसे प्रसिद्ध भारतीय लेखकों में से एक है। उनकी किताब हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड और अन्य कहानियों का 15 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है और इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं। तो बच्चों, ये कौन है? करेक्ट आंसर है सुधा मूर्ति, SUDHA सुधा MURTY, सुधा मूर्ति। सेकंड, ही वॉज अ लीडिंग राइटर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। ही इज बेस्ट नॉन फॉर हिज बुक स्वामी एंड फ्रेंड्स विच इज सेट इन अ फिक्शनल पैलेस मालगुड़ी डैश। वे अंग्रेजी में प्रारंभिक भारतीय साहित्य के प्रमुख लेखक थे। उन्हें उनकी पुस्तक स्वामी एंड फ्रेंड्स के लिए भी जाना जाता है, जो एक काल्पनिक स्थान मालगुडी में स्थापित है। तो बच्चों, सेकंड आंसर आर के नारायण। थर्ड, ही वॉज अ ब्रिटिश स्टोरी टेलर। ही इज बेस्ट नॉन फॉर राइटिंग चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, मटिल्डा एंड द BFG डैश। वह एक ब्रिटिश कथाकार थे। उन्हें चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, मटिल्डा और द BFG लिखने के लिए जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर है थर्ड का रोआल्ड डॉल। फोर, सी इज एन इंडियन चिल्ड्रन बुक ऑथर। सी हैज रिटन अबाउट 20 बुक्स। सम ऑफ हर बुक आर सॉन्ग ऑफ द बुक वॉर्म मोइन एंड द मोनेस्टर एंड टू मार्केट डैश। वह एक भारतीय बच्चों की किताब की लेखिका हैं। उन्होंने लगभग 20 से अधिक पुस्तकें लिखी है। उनकी कुछ किताबें किताबी कीड़ा का गीत, मोहिन और राक्षस और बाजार के लिए है। तो वो लेखिका कौन है बच्चों? अनुष्का रवि शंकर। फिफ्थ, ही इज एन इंडियन ऑथर बॉर्न इन कोलकाता इन 2008। हिज बुक्स सी ऑफ पॉपीज वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द मैन बुक्स प्राइज। हिज रिसेंट नॉवल गम आइलैंड वॉज पब्लिश्ड इन 2019 डैश। वह कोलकाता में पैदा हुए एक भारतीय लेखक हैं। 2008 में उनकी पुस्तक सी ऑफ पॉपीज को मैन बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। उनका हाल ही उपन्यास गन आइलैंड 2019 में प्रकाशित हुआ था। तो ये राइटर कौन है? अमिताव घोष। सिक्स, ही लिव्स इन लंडोर नियर मंसूरी एंड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। ही राइट्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स एंड हिज मोस्ट पॉपुलर बुक्स आर द नाइट ट्रेन एट देहोली एंड द रूम ऑन द रूफ डैश। वह मसूरी के पास लंडोर में रहते हैं और ब्रिटिश डिसेंट के एक भारतीय लेखक हैं जो बच्चों और युवा वयस्कों के लिए लिखते हैं। उनकी सबसे लोकप्रिय किताबें नाइट ट्रेन, एट देवली और द रूम ऑन द रूफ हैं। तो ये राइटर कौन है बच्चों? आंसर इज रस्किन बॉन्ड। सेवन, ही इज एन अमेरिकन राइटर ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। ही इज मोस्ट फेमस फॉर हिज पिक्चर बुक द वेरी हंग्री कैटरपिलर। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द ग्रोथ ऑफ अ कैटरपिलर एंड हाउ इट
टर्न्स इंटू अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई डैश। वह बच्चों के साहित्य के एक अमेरिकी लेखक हैं। वे अपनी चित्र पुस्तक द वेरी एंग्री कैटरपिलर के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं। कहानी एक कैटरपिलर के विकास के इर्द गिर्द घूमती है और ये कैसे एक खूबसूरत तितली में बदल जाती है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? एरिक कॉले, जिन्होंने कैटरपिलर के बारे में लिखा है कि कैटरपिलर का विकास कैसे होता है और वह कैसे एक खूबसूरत तितली के रूप में बदल जाता है। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट चैप्टर फिफ्थ रीड करेंगे। चैप्टर फाइव नेम इज कप्स एंड ट्रॉफीज। वेरियस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन आर हेल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हेयर प्लेयर्स कम्पीट टू विन अ मेडल कप और अ ट्रॉफी। मैच दिस ट्रॉफीज और कप टू द स्पोर्ट्स दे आर एसोसिएट विथ। दुनिया भर में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है जहां खिलाड़ी पदक, कप या ट्रॉफी जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इन ट्रॉफियों या कपों का मिलान उन खेलों से करें जिनसे वे जुड़े हैं। आओ बच्चों, हम इन कपों और ट्रॉफियों को उनके खेलों से मैच करें जिनसे वे जुड़े हुए हैं। फर्स्ट, रणजी ट्रॉफी। जो रणजी ट्रॉफी है वह किस खेल से संबंधित है बच्चों? क्रिकेट से। तो फर्स्ट का आंसर क्रिकेट। आपको रणजी ट्रॉफी को क्रिकेट से मैच करना है। सेकंड, सुल्तान अजलान शाह कप। सुल्तान अजलान शाह कप किस गेम से संबंधित है? हॉकी से। थर्ड, विंबलडन चैंपियनशिप ट्रॉफी, जो टेनिस खेल से संबंधित कप है या ट्रॉफी है। फोर, वेस्टचेस्टर कप, जो पोलो गेम में मिलता है। फिफ्थ, जूल्स रिमेट ट्रॉफी। जूल्स रिमेट ट्रॉफी जो फुटबॉल की एक ट्रॉफी है। सिक्स, वेलिंगटन कप। वेलिंगटन कप जो हॉर्स रेसिंग में दिया जाता है उसको आपको सिक्स को हॉर्स रेसिंग से मैच करना है। सेवन, थॉमस कप। थॉमस कप बैडमिंटन में ये कप दिया जाता है, इसको आपको सेवन को थॉमस कप को बैडमिंटन से मैच करना है। तो बच्चों, हमने आज चैप्टर फोर एंड फाइव रीड किया। आप सभी को पूर्ण रूप से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को चैप्टर संबंधित प्रॉब्लम्स हो तो वह मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। जीके का वर्क ओनली बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में नहीं करना है। ओके गाइज, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।